नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निरसा प्रखंड अंतर्गत खास निरसा नयाडंगा स्थित काली मंदिर प्रांगण परिसर में गुरुवार को अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 40 जोड़ों ने मंदिर में शादी रचाई। निरसा के साथ साथ धनबाद, बोकारो, जामताड़ आदि जिलों से पहुंचे कई जोड़ों ने मंदिर प्रांगण में स्थित अलग अलग मंदिरों में जाकर अपनी शादी रचाई। मंदिर कमेटी के सचिव मनजीत सिंह ने बताया कि विगत के दिनों में यहां शादी करने के लिए पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में सर्वाधिक शादी करने वालों के जोड़ों की संख्या 23 थी, जो आज बढ़कर एक दिन में सर्वाधिक शादी का रिकॉर्ड 40 हो गया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि लगातार इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है और विशेषकर आसपास के क्षेत्रों में शादी करने वाले जोड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका विशेष कारण यह है कि मंदिर कमेटी शादी करने वाले जोड़ों को शादी संबंधी प्रमाणित और प्रमाण पत्र भी जारी करती है तथा उनकी सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। विशेष रूप से प्रांगण परिषद में खुले मैदान और खुली जगह होने के कारण यह काफी भीड़ भाड़ होती रहती है और कितने भी भीड़ होने पर किसी को असुविधा नहीं होती है। शादी देखिए बराबर यहाँ शादी होता है, शुरू से ही यहाँ शादी लोगों का होता है, लेकिन जिस तरह से अब रुझान बढ़ा है लोगों का, शादी का संख्या भी बढ़ा है और हमको लगता है कि बंगाल से, पुरलिया से, बोकारो से, धनबाद से, जगह दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर शादी करना चाह रहे हैं। तो देखिए आज 40 जोड़ा शादी है, जो कि हम लोग के यहाँ पहले बहुत ज़्यादा एक दिन 27 हुआ था और आज ज़बरदस्त शादी का लगन है और शादी यहाँ पर रुझान है। अभी हम लोग पूछ रहे थे, कोई बोल रहा था जामताड़ा से आए हैं, कोई पुरलिया से, कोई बलियापुर से, कोई बोकारो से, तो आज चार जगह हम लोगों ने व्यवस्था किया है। राम मंदिर में एक, पीछे राधा कृष्ण का जो मंदिर बन रहा है वहाँ एक, देखिए वहाँ पर हो रहा है। चार जगह चार जोड़ों का एक साथ हम लोग पूजा करा रहे हैं, चार वो पंडित है, चार वो व्यवस्था किया हुआ है। तो लोगों का रुझान बढ़ा है, इसका कहीं ना कहीं कारण यहाँ पर पार्किंग, लोगों की आस्था और यहाँ की व्यवस्था है। हम लोग कोई भी जो यहाँ पर आता है शादी करने, उसको कोई परेशानी नहीं हो, इसका पूरा कमेटी ख्याल रखती है, इसीलिए यहाँ पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। हम मानते हैं कि आने वाला दिनों में और ये संख्या बढ़ेगा और लोगों का रुझान बढ़ेगा। मंदिर कमेटी के द्वारा उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, यहाँ शादी का तो सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाता है और उनको दिया जाता है, वो कहीं भी हम लोग का रजिस्टर में पूरा दर्ज रहता है, कहीं भी उसको दिखाएंगे तो हम लोग रजिस्टर खोल के बता सकते हैं कि हाँ ये शादी हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए उम्र का ख्याल रखना है, जो सरकारी नियम है उसी नियम के अनुसार हम लोग यहाँ शादी कराते हैं, कोई भी बच्चा है उसको शादी नहीं कराते हैं।